हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए जरूरी सेक्स की अपडेट इस वीडियो में सभी कर्मचारियों के लिए। तो बड़ी अपडेट है कर्मचारियों के लिए, राजस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए। कार्मिक विभाग द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। समस्त मुख्य सचिव, शासन प्रमुख सचिव, शासन सचिव और समस्त विभाग अध्यक्ष को, साथ ही संभाग आयुक्त व जिला कलेक्टर को, और सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कर्मचारियों के लिए विभिन्न सवर्ग व पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने और नियमित DPC आयोजित किए जाने के संबंध में। तो कर्मचारियों के लिए कह सकते हैं अच्छी खबर है कि सभी सवर्ग और पद, जितने भी पद और सवर्ग आते हैं, उन सभी के लिए कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि इनकी वरिष्ठता सूचियाँ जारी की जाए, साथ ही इनकी नियमित DPC आयोजित किए जाने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। तो कर्मचारियों के लिए जो कह सकते हैं वरिष्ठता सूची जारी होगी, सभी विभाग अध्यक्ष को कहा गया है और इनकी नियमित DPC किए जाने के संबंध में ऑर्डर जारी हुआ है। पूरी खबर इस प्रकार है कि ऑर्डर में कहा गया है कि सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण संबंधित जो भी प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न पद है, सवर्ग है, इनकी 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित किया जाना आवश्यक है। यानी 1 अप्रैल, जो अभी नवीन वित्तीय वर्ष लग चुका है 1 अप्रैल 2021, इसको ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता सूचियाँ तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं सभी विभाग अध्यक्ष को। साथ ही नया वित्तीय वर्ष जो 2021-22 1 अप्रैल से आरम्भ हो चुका है, तो समस्त प्रशासनिक विभाग, विभाग अध्यक्ष व नियुक्ति प्राधिकारियों को यह आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी दिनांक 1 अप्रैल 2021 की स्थिति को देखते हुए नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां प्रसारित करावें। साथ ही विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित की जाकर पदोन्नति की कार्रवाई यथाशीघ्र संपादित की जाए। ये 6 अप्रैल का ऑर्डर है। प्रमुख शासन सचिव द्वारा यह ऑर्डर जारी किया गया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि विभिन्न सवर्ग पद, जो भी राज्य के कर्मचारी आते हैं, जितने भी स्वर्ग या किसी भी प्रकार के पद में आते हैं, तो उनकी वरिष्ठता सूचियाँ जारी होगी कह सकते हैं, और साथ ही उनकी नियमित DPC भी होगी। तो ये कह सकते हैं एक प्रकार से अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए कि अब विभाग अध्यक्ष को ऑर्डर दिया गया है शासन सचिव द्वारा कि उनकी वरिष्ठता सूची तैयार की जाए और उनकी नियमित जो DPC है, नया वित्तीय वर्ष लग चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए और नियम अनुसार वरिष्ठता सूची प्रसारित की जाए और ये कार्य यथाशीघ्र किया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट खबर है सभी कर्मचारियों के लिए। DOP कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई है 6 अप्रैल 2021 को सभी कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।